कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की अति प्यारी ओह तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस रीते भगवन तन 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 जन आया जिस पर सब जगत रहा जनियावन का यह सुहावो जन के समचित आवे नो आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया पगजल विच्चों काड़ के मुक्त पदार्थ माही समाया तेरे केड़े केड़े गुणा नो मैं गावा दुनिया नु तारण वालिया केड़े केड़े गुणा नो मैं गावा दुनिया नु तारण तारण वाले
ગુનાનું મેં ગાવા દુનિયાનું તારવા કેલે કેલે ગુનાનું મેં ગાવા દુનિયાનું તારવા સિજની કરા લખવારી કરા લખવારી દુનિયાનું તરવાર્યા સિજની કરા લખવારી કરા લખવારી દુનિયાનું તરવાર્યા નારાયણ નરપત નમસ્કારી ઐસી ગુર કો બલ બલ દઈએ આપ મુકત મોહે તારે તૈનું સિજ દેકરા લખવારી કરા લખવારી વટે પરતાપ વાળ્યા કરા લખવારી વટે પરતાપ વાળ્યા સાધ તૂણ સાજન તેરે ચરણ કી નાન શરણ તુહારિયા પેખો સદારો જાંકો હર રંગ લાગો ઇસ જુગ મે સો કૈયત હૈ સુરા આતમ જીણે સગલ વસ્તા કે આંકા સતગુર પુરા અગમ અગા પાર બ્રહ્મ સોએ જો જો કહે સો મુક્તા હોય સુન મિતા
ਵਿਣਵੰਤਾ ਨਾਨਕ ਵਿਣਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਪਾਏ ਤਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਰੇ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਭੂ ਮਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਜ ਕੀ ਜਿਸ ਪੇਟ ਤਰੀ ਹੈ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਈ ਫਿਰ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰੀਏ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਭੂ ਮਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਿੰਘਾਰੀ ਰੇ ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਪਾਏ ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਇ ਪਲੇ ਏਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਵੇ ਖਗ ਖੰਡ ਬੇਹੰਡੰ ਖਲ ਦਲ ਖੰਡੰ ਅਤਰੰ ਮੰਡੰ ਬਰ ਬੰਡੰ ਪੁਜ ਦੰਡ ਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤ ਮੰਡੰ ਪਾਨ ਪ੍ਰਭੰ ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਨੰ ਦੁਰਮਤ ਦਰਣੰ ਤੁਰ ਬਿਖਰਣੰ ਅਸਰਣੰ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ ਉਬਾਰਨ ਮਮ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਨ ਜੈ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸੀਸ ਨਿਭਾਵਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸੀਸ ਨਿਭਾਵਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ ਕਿਥੋਂ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਥੋਂ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਤੋੜ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਤੋੜ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਤੋੜ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਤੋੜ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ
सिद्ध सर से होने वाले केड़े केड़े गुणानू मैं गावा सिद्ध सर से होने वाले के चोले रतने प्यारे कंत ना के पास तोड़ते ना की जहन जी का नान की अरदास हर मन तन वसे असुई जय जयकार करे सब कोई गुरु रूप गुर खालसा सत्संग माई भाई वीर बुजुर्गों सर्व धर्म दे स्नेही सर्व नानक नाम लेवा आप गुण भागे हो तंता दे जो सतगुरां दी अपार बख्शिश कृपा रहमत दा सदका गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी छतर छाया हेठ वीमी सदी दे अवतार पूरन ब्रह्म ज्ञानी राजे योगी महंत बसवी सचखंड वासी श्रीमान संत बाबा दत्त सिंह जी महाराज मस्तवाणा साहिब वाले और उन्हां तों वरसाए पूरन ब्रह्म ज्ञानी राजे योगी महंत बसवी ब्रह्मली ब्रह्म स्वरूप श्रीमान संत बाबा करतार सिंह जी महाराज दशमेश्वर साहिब वाले वड्डे महापुरखां दी आसीसां दा सदका जिथे फकीर होके शहनशाह 111 ब्रह्मलीन ब्रह्म स्वरूप सचखंड वासी श्रीमान संत बाबा बलवंत सिंह जी महाराज सिद्ध सर सिहोड़ा साहिब वाले उन्हां दी मिठी ते निघी याद दे विच पहली बरसी दे परथाएं आओ पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी राजे योगी महंत बसवी नाम दे रसी बैराग दी मूरत श्रीमान संत बाबा प्रतपाल सिंह जी महाराज गुरुद्वारा गुरसागर साहिब उन्हां दी प्रेरणा असीसां रहमतां दा सदका और सारिया संगतां दे सहयोग दे नाल आओ बड़े ही सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा जगरूप सिंह जी उन्हां दा ही उद्यम आप सब संतां दा प्यार जो उस महापुरख दे प्यार दे विच दो दिन दे हर जस हरी कीर्तन दा आनंद आप माण रहे हो और अज दूसरे दिन दे हर जस हरी कीर्तन दे आनंद दे उत्ते जिथे तीसरे पहर तो चौथे पहर तो बारो आए महापुरखां तो रागियां तो ढाडियां तो विद्वानां तो कथावाचकां तो आओ
बड़ो बारो आए महापुरख बाढ़ा वाले महापुरख और मेरे तो पहला बाबा जी रूप सिंह जी बड़े ही प्रेम नाल कीर्तन भक्ति नाल सारिया संतां नूं जोड़ रहे सन। सो आओ अपनी मनो में बिरतियां नूं एकाग्र करदे हुए एक मन एक चित होके गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह नूं शीश झुकाओ प्यार नाल फतेह दा जवाब फतेह विच दिओ। कल भी सरवण कर रही सी चार मेले चौंठस किले बीस मिले कर जोड़ गुरसिख को गुरसिख मिले किले सात करोड़। गुरसिख कहंदे चार मिले चार हथां दी गल कीती है दो नेत्र एक सिख दे कोल दो दूसरे दे कोल जदों नेत्रां वल देखदा दर्शन करदा दूसरे गुरसिख दे ते ओ चार हो गए। दो हथ बीस मिले कर जो कर हथां नूं किया दोए कर जो रोज अरदास दे विच करूं अरदास बीस मिले कर जो एक हथ दे विच पंज उंगलां चार हथ हो जान तां वी बन जांदियां ने और एक दे कोल बत्ती दंद ने चार मेले चौंठस केले बीस मेले कर जो विद्वाना दे अनुसार डॉक्टरां दे अनुसार एक शरीर दे विच साढ़े तीन करोड़ रोम दो गुरसिख हो जान ता सत करोड़ रोम बन जाते और तुसी हिसाब लाओ जदो दो गुरसिख एक दूसरे नूं फतेह बुलाउंदे ने तां सत करोड़ रोम खिलदे और तुसी अथे गिनती तो अणगिनत होके बैठे हो तां साडे सारिआं दे इकट्ठे किन्ने रोम खिलणगे उहदा अंदाज़ा असीं नहीं ला सकदे। सो इस करके और कलगीधर पातशाह दा हुक्म कहंदे जेड़ा सिख मैनू पहला फतेह बुला दे दूसरे सिख नू फतेह पहला बुला दे कहंदे ओदे वल मेरा मुख और जेड़ा फतेह बुलावे ना सुनी कर दे जान के फतेह दा जवाब ना दवे कलगीधर पातशाह कहंदे ओदे वल मेरी पिट है। सो इस करके गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह नू शीश झुकाओ प्यार नाल फतेह दा जवाब फतेह विच दिओ। कोई भी रचना वांझी ना रवे सारे गज के द्वार तो कहना ना पवे प्यार नाल फतेह दा जवाब फतेह विच दिओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो गुरु महाराज ने एक कृपा कीती है दूसरे दिन दा अज आनंद आप माण रहे हो उस महापुरख की याद के विच कल भी सरवण कर रही सी महापुरख की बुकत महापुरख की कीमत संसार नहीं जान सकता महापुरख की महिमा नूं मेरे तो पहला बाबा जी बड़े प्यार नाल पढ़ रहे सी मैं महापुरख की महिमा नूं की वर्णन करां साध की महिमा वेदना ना जेता सुने तेता विसरे जिन्ना जिन्ना जिथो जिथो कोई सुन लैंदा अनुभव दे विच तत् दे विच सूत्रां दे विच जिथे जिथे गल आउंदी है ओनी उस महापुरख की महिमा नूं गा दिंदा किसे दा किथे तक प्यार है गुरु दे नाल उदे बोलां तो पता चल जाएगा मस्तक तो पता चल जाएगा तेरा गुरु दे नाल किन्ना प्यार है
मस्तक तो तेरे पता चल जाएगा, तेरे बोलना तो पता चल जाएगा। सिख गुरु नूं अरदास करदा है, अरदास करन दे ढंग तो पता चल जांदा है किथे खड़ा, इहदे अंदर की चल रहा है। और ऐसा महापुरख जिहड़ा कट कट के अंतर की जानत, भले भले की पीर पछाणत, जेड़े पीर पछाण रहे ने तेनूं रोग केड़ा लगा, जेड़े तेरे हिरदे दी जान रहे ने। और एक बेनती करा, एक वैद हुंदा जेड़े तन दे रोग नूं जान ले और उहदा इलाज करदे, उहनूं वैद कहा जांदा। तुसीं सारे पढ़े लिखे हो। दूसरा, जेड़े मन दे रोग नूं जान ले उन्हों मनीष कहा जाता, वह मनीष है। और कहते जेड़े तेरे आत्मा दे रोग नूं जान ले, जेड़े तेरे आत्मा दी गतिविधियां नूं, मन दी गतिविधियां नूं जान ले, वह संत है। कई बार शरीर दे विच एहो जे रोग ने जिन्हां दा कोई इलाज नहीं, मन नूं ऐसे रोग लग जांदे ने जिन्हां दा कोई इलाज नहीं। पर सच जानो, एक महापुरख ऐसा है, एक ब्रह्म ज्ञानी ऐसा है, जेड़ा ओहदी शरण दे विच आ गया, दुनिया दा ऐसा कोई भी रोग नहीं जिहदा इलाज महापुरख दे कोल नहीं। सारे रोगों का इलाज। और महाराज ने स्पष्ट कह दिता, महाराज की बाणी की कह रही है, पढ़ लो प्यार दे विच, सर्व रोग का औखद दवाई। महाराज की बाणी कह रही है, तेरे सारिया दुखा दारू, सारे दुखा का अथे महाराज कह रहे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पए सरसे पूरे गुरु ते, फिर सुनते पुने कहते पुने। अथे बाणी सुन के, सुन के कह के तू पुनीत हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। पहला तू पतित सी, जदों बाणी सुनेगा ते पावन हो जाएगा। की कह रहे ने महाराज, तेरे सारिया दुखां दा दारू, इको नाम वाहे गुरु दा, सारिया दुखां दा दारू, इको नाम वाहिगुरु दा। आस दी गुरां दी बाणी जी, सच आस दी बाणी जी, सच आस दी बाणी जी, सच आस दी। संगत बोलो गज के पर, गुरां दी बाणी जी, सारिया दुखां दा दारू, इको नाम वाहिगुरु दा,
तेरी सारी आज खानू इको नाम वाहूदा सर्व रोग का औषध नाम दी महिमा दी गल बाबा जी दस रहे सन और सच जानो बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। ये बहुत अमोल ये नाम दी बरकत सिहोड़े वाले महापुरख उन्हां दी शरीर नूं अज सिजदा नहीं जे शरीर नूं सिजदे होंदे तां तुसीं इत्थे नहीं सी मैना उन्हां दी कमाई नूं सिजदे उन्हां दे अंदर जिहड़ा उन्हां दा उत्तेज सी जिहड़ा उन्हां दा तप सी जिहड़ा उन्हां दे अंदर ज्ञान सी ओह विधवता सी जिहड़ा उन्हां दे अंदर ओह ब्रह्म दा स्वरूप सी या मैं कह दिया कि जेड़ा उन्हां दे अंदर रब बैठा सी उन्हूं सिजदे हो उन्हां दे शरीर नूं सिजदा नहीं और महापुरख कदी शरीर नहीं होंदा। एक गल याद रखना महापुरख प्रभाव नहीं महापुरख एक प्रकाश है। जे महापुरख प्रभाव हुंदा तां फिर महाराज ने नहीं सी कहना कि जन्म मरण दो हूं मैं ना जन परे उपकारी। प्रभाव थोड़े दिनां दा कोई नेता दा प्रभाव वो थोड़े दिनां दा कोई सोना बोलदा किसे दी अज चढ़ाई है कल नूं थल्ले उहदा प्रभाव होवेगा पर प्रकाश नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रभाव नहीं महाराज का एक प्रकाश अमृत वेले महाराज का जो प्रकाश होंदा है साढ़े आम शब्द कोई ये नहीं कहता कि महाराज नूं खोल दो माफ कर दो। आम तौर पर यही असी लफ्ज साडी शब्दावली दे विच इह अखर यूज होंदे ने कि महाराज का प्रकाश महाराज का प्रकाश करो। अरदास दे विच भी हरमंदर साहिब कि हे सच्चे पातशाह प्रकाशमान होके अपनियां सिख संगतां नूं दर्शन दिओ किरतार्थ करो हुक्मनामे दी दाता बख्शो प्रकाशमान। जे गुरु दा प्रकाश हो रहा है ते सच जाणो इत्थे